हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है। माय टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको काले चने की सब्जी बनाना बताएंगे और ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और जल्दी बन जाती है। हमने काले चने को 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसको उबाल लिया है अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से उबल गया है। इसका पानी नहीं फेंकेंगे उबला हुआ, उसको भी साथ में रखेंगे। अब इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। टमाटर ले लिया है एक छोटा सा अपनी सब्जी के क्वांटिटी के हिसाब से, प्याज है और लहसुन, हरी मिर्च, ये सब हम मिक्सी में पीसेंगे। इसका पेस्ट तैयार करेंगे, इसको दोनों को डालकर पीसेंगे। इसमें देखिए धनिया आधी चम्मच ली है अपनी सब्जी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और ये गरम मसाला है आधा चम्मच, ये हल्दी आधा चम्मच, मिर्च है आधा चम्मच। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो और मिर्च ले लेंगे। तड़के के लिए जीरा लिया है हमने। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट को, इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी जार में डाल लिया है इसको पेस्ट तैयार करने के लिए, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। अब हमने इसको तेल गरम कर लिया है, अब इसमें जीरा डाल दिया है तड़के के लिए। इसमें जब जीरा तड़क जाएगा तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज लहसुन और टमाटर का, उसको डाल देंगे और इसको हल्का फ्राई करेंगे मीडियम आँच पर, जब तक इसमें तेल ना छोड़ने लगे। 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करते रहेंगे, फिर इसमें बाद में बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ये देखिए, हमारा प्याज वाला जो पेस्ट था वो पक के तैयार हो गया। इसमें मसाले डाल देंगे, इसमें सारे नमक डाला है हमने। देखिए, इसमें हमने नमक डाल दिया, मसाला हमारा पक रहा है और इसमें सारे मसाले डाले हमने इसमें। अभी इसमें देखिए हल्दी डाल रहे हैं, प्याज हमारा पक चुका है जो हमने पेस्ट डाला था, और अब धनिया डाल रहे हैं इसमें, और इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला आप बाद में भी डाल सकते हैं, हम मसाले के साथ में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले को पकाने के लिए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। अब मसाला देखिए हमारा पककर तैयार हो गया है, तेल छोड़ने लगा है ये पकने। ये देखिए कलर भी अच्छा आया है, अच्छे से पक गया है। इसमें अब मसाला पकने के बाद में हम चने डालेंगे। देखिए, चने डाल देंगे और जो उबला हुआ पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, वो भी साथ में ही डालेंगे, और थोड़ा सा चमचे की सहायता से इसको थोड़े से चने मैश भी कर देंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, चने अलग अलग ना हों। और इसमें अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और जैसा भी आप पतला गाढ़ा खाते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। देखिए, हमने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कम ग्रेवी लग रही थी, क्योंकि पकने पर भी थोड़ी सी ग्रेवी सूख जाती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। और ये रोटी चावल के साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पौष्टिक भी होती है, इसकी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो लाइक कमेंट्स करिएगा। देखिए, अब इसको हम 3 से 4 सीटी तक इसको बोलने देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। ये देखिए, काले चने हमारे पककर तैयार हो गए हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप धनिया भी डाल सकते हैं बाद में, इसमें हरी धनिया डाल के आप सर्व कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। ये देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप चावल के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है, चावल पुलाव या रोटी के साथ में। देखिए, हमारी काले चने की सब्जी बनकर तैयार है और देखने में भी सुंदर लग रही है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है। 1998 में ये देखिए बहुत अच्छी, इसको आप धनिया से सजा सकते हैं। सब्सक्राइब करें माय टैलेंट चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।